नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज आपका अपने YouTube वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन क्या है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाओं का हम इस्तेमाल करें ताकि अपनी समस्याओं से पूरी तरह से ठीक हो सकें। दोस्तों, पहले बात करते हैं हमारे शरीर के नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। जब हम हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर मापते हैं तो हमारे पास दो संख्याएं सामने आती हैं, एक ऊपर वाली संख्या और एक नीचे वाली संख्या। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रूप में जाना जाता है, जो नीचे वाली संख्या होती है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक प्रेशर प्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू जो ब्लड होता है वो आर्टरीज के अंदर पास होता है। जो उस समय हमारे आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जब हमारा हार्ट बिल्कुल रिलैक्स होता है, जो दो बीट्स के बीच का इंटरवल होता है, उस समय जो हमारी आर्टरीज के अंदर प्रेशर प्रेजेंट होता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसको एलिवेटेड हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कंडीशन में हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 139 mmHg के बीच होता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से 89 mmHg के बीच होता है। दूसरी कंडीशन होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इस कंडीशन में जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 से ऊपर चला जाता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 90 से ऊपर चला जाता है। ये एक सीवियर कंडीशन होती है जो हमारे शरीर में हार्ट अटैक व स्ट्रोक की कंडीशन पैदा कर सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। काफ़ी लोगों के अंदर हाइपरटेंशन के कोई लक्षण नहीं दिखते, जिसके कारण उनको लगता है जो उनके शरीर में हाई बीपी की कंडीशन बनी हुई है वही उनकी नॉर्मल बीपी की कंडीशन है, जिसके कारण वो समय पे इलाज नहीं लेते, जिसके कारण भविष्य में उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस और सीवियरिटीज़ अपनी हेल्थ से रिगार्डिंग देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ लक्षणों के बारे में। इसका जो पहला लक्षण होता है वो होता है हेडेक। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। जब पेशेंट सुबह उठता है तो उसको हेडेक महसूस होता है जो कि माइल्ड से सीवियर होता जाता है। ये बिल्कुल हल्का हल्का भी महसूस हो सकता है और काफ़ी लोगों को काफ़ी तेज़ भी महसूस हो सकता है। जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है डिजीनेस, मतलब चक्कर आना। काफ़ी लोगों को हाई बीपी के कारण चक्कर भी महसूस होते हैं। कई बारी चक्कर सिरदर्द के साथ एसोसिएट होके बॉडी के अंदर महसूस होते हैं। जो हाई बीपी का तीसरा लक्षण होता है वो होता है ब्लरिंग ऑफ विजन। काफ़ी लोगों को आँखों से धुंधला दिखाई देने लग जाता है। इसका कारण होता है जो हमारी आँखों के अंदर कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज के अंदर हाई बीपी के कारण थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है जिससे विजन के अंदर दिक्कतें महसूस होती हैं। जो हमारा रेटिना होता है जो हमारी इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है उसके अंदर भी काफ़ी समस्याएँ महसूस हो सकती हैं। चौथा लक्षण होता है वो होता है चेस्ट पेन। काफ़ी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के कारण छाती में दर्द महसूस होता है। ये दर्द कई बार गर्दन तक चला जाता है, शोल्डर्स तक चला जाता है और कमर तक चला जाता है। दोस्तों, जो अगला लक्षण होता है वो होता है नेजल ब्लीडिंग। जो हमारी नाक के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसके कारण नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। जो अगला लक्षण होता है वो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। हाइपरटेंशन के कारण काफ़ी लोगों में ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। वो प्रॉपर रूप से सांस नहीं ले पाते जिससे उनकी सांसें काफ़ी छोटी हो जाती हैं। जो अगला लक्षण होता है वो होता है ब्लड इन यूरिन। काफ़ी लोगों में ये समस्याएं भी देखी गई हैं। जैसे ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो किडनीज़ के अंदर हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसके कारण पेशाब के अंदर ब्लीडिंग देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ और लक्षण भी होते हैं जो हाई बीपी के कारण देखने को महसूस हो सकते हैं, जैसे कन्फ्यूज़न, नर्वसनेस,
वीकनेस, स्वेटिंग, पल्पिटेशन। दोस्तों अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के कुछ कारणों के बारे में। दोस्तों जो प्राइमरी या फिर एलिवेटेड हाइपरटेंशन होती है ये 90-95% अडल्ट्स के अंदर देखने को मिलती है। इसके कोई मुख्य कारण देखने को नहीं मिलते हैं। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन या फिर सीवियर हाइपरटेंशन होती है इसके कुछ कारण होते हैं जिनके कारण ये समस्याएं बढ़ती हैं। जो पहला कारण होता है वो होता है थायराइड डिसऑर्डर्स। जिन लोगों में थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स होते हैं उन लोगों में हाइपरटेंशन की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। दूसरा जो कारण होता है वो होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हाइपरटेंशन की समस्याएं महसूस हो सकती हैं। तीसरा जो कारण होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया कंडीशन। जिन लोगों में स्लीप एपनिया की समस्याएं देखने को मिलती हैं उन लोगों में भी हाइपरटेंशन बढ़ने के चांसेस काफ़ी पाए जाते हैं। चौथा जो कारण होता है वो हमारी किडनी डिजीज से रिलेटेड कंडीशंस में होता है। जिन लोगों को किडनी की कोई समस्याएं होती हैं उन लोगों में भी हाइपरटेंशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़। जो पांचवा कारण होता है वो ड्रग्स से रिलेटेड होता है। जो लोग ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ करते हैं उन लोगों में भी ये समस्याएं बढ़ती हुई देखने को महसूस होती हैं, जैसे एनसेड्स दवाइयों का जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भी हाइपरटेंशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। दूसरा एंटी कैंसर ड्रग्स का जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में भी हाइपरटेंशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तीसरा जो लोग इलीगल ड्रग्स जैसे कोकीन इनका ज़्यादा सेवन करते हैं उनमें भी हाइपरटेंशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो अगला कारण होता है जब हमारे शरीर के अंदर कोई ट्यूमरस कंडीशन पैदा हो जाती है, ट्यूमर बनने के कारण या फिर ट्यूमर जब प्रोग्रेस कर जाता है तो उसके कारण भी हाइपरटेंशन बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये कुछ मुख्य कारण होते हैं जिनके कारण हाइपरटेंशन हमारे शरीर में बन सकती है और बढ़ सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जिनको अगर आप अपनी हाइपरटेंशन की समस्याओं में कुछ दिन अच्छे से यूज़ करते हैं तो अपनी समस्याओं से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों पहली दवा का नाम है रोवोल्फिया मदर टिंचर। इस दवा को होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में हाइपरटेंशन में यूज होने वाली दवाओं में से मुख्य स्थान दिया गया है। इस दवा को हाइपरटेंशन के लिए स्पेसिफिक रेमेडी के रूप में भी जाना जाता है। ये दवा आपके बढ़े हुए हाई ब्लड प्रेशर को काफ़ी तेज़ी से कम करती है और उसको मेंटेन कर देती है। इस दवा को हाइपरटेंशन के केसेस में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों दूसरी दवा का नाम है क्रेटेजियस मदर टिंचर। दोस्तों इस दवा को हार्ट टॉनिक के रूप में भी जाना जाता है। अगर पेशेंट को चेस्ट में पेन महसूस होता है या फिर पैल्पिटेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती हैं तो उन केसेस में इस दवा को यूज़ किया जाता है। अगर हार्ट के अंदर फैटी डिजनरेशन होने लग गई है या फिर कोई इन्फ्लामेशन की कंडीशन पैदा हो गई है तो इस दवा को काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का आर्टरी ब्लॉकेज के ऊपर भी काफ़ी अच्छा एक्शन है। अगर आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा लगते हैं तो आप इस दवा को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा हार्ट टॉनिक के रूप में भी जानी जाती है और ये दवा हाइपरटेंशन के केसेस में यूज़ होने वाली होम्योपैथिक दवाओं में मुख्य दवाओं में से एक है। दोस्तों तीसरी दवा का नाम है पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं जिन लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या होती है उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस तनाव की समस्या बनी रहती है जिसके कारण हाइपरटेंशन की समस्या उनकी काफ़ी बढ़ती है, नींद ना आने की समस्या भी काफ़ी महसूस करते हैं। तो ये दवा आपके स्ट्रेस को काफ़ी कम कर देती है और नींद की समस्याओं को भी पूरी तरह से दूर कर देती है। दोस्तों अब बात करते हैं इन दवाओं को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपको इन तीनों दवाओं को बराबर मात्रा में एक खाली बोतल के अंदर मिलाना है और जो बोतल आप लेंगे उसका जो ढक्कन होगा वो ड्रॉपर वाला ढक्कन आपने यूज़ करना है। मान लीजिए आपने एक दवा का 10 ml पार्ट लिया है तो बाकी बची हुई दोनों दवाओं का भी आपने 10 ml पार्ट ही उस बोतल के अंदर मिलाना है और उसको अच्छे से हिला लेना है। दोस्तों मिलाने के बाद आपको इस दवा को दिन में 3 बार पीना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले आधे कप पानी के अंदर इसकी 20 ड्रॉप्स डालनी है। सुबह 20 ड्रॉप्स दोपहर को और 20 ड्रॉप्स शाम को। ये आपकी ब्लड प्रेशर
की समस्या को काफ़ी हद तक ठीक कर देगी। दोस्तों जो अगली दवा का नाम है उसका नाम है बेलाडोना 200। दोस्तों ये भी हाइपरटेंशन को काफ़ी तेज़ी से कम करती है और हाई ब्लड प्रेशर में प्रिस्क्राइब की जाने वाली मुख्य दवाओं में से एक दवा है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा हेडेक हाइपरटेंशन के केसेस में होता है या जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और आपके सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, फेस लाल हो जाता है और दर्द एकदम से उठता है और एकदम से चला भी जाता है, तो इस कंडीशन में हम बेलाडोना 200 को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस दवा को केवल आपने दिन में एक ही बार पीना है, इसकी दो बूंद डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह डालनी है। दोस्तों इस दवा को आपने केवल एक महीने तक प्रयोग करना है। दोस्तों अब बात करते हैं आपने इन दवाओं को कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों अगर आप कुछ दिनों से हाइपरटेंशन की समस्या से परेशान हैं और अभी तक आपने कोई भी दवाइयाँ स्टार्ट नहीं की हैं तो आप इन दवाओं को शुरू कर सकते हैं। इन दवाओं को आप एक महीने तक लगातार यूज़ करें और अपना बीपी प्रॉपर मॉनिटर करते रहें। आपको एक महीने में काफ़ी अपनी समस्याओं से राहत मिलेगी। फिर कुछ दिन और, एक से दो महीना और आप इन दवाओं को इस्तेमाल करें, आप पूरी तरह से अपनी समस्याओं से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप हाइपरटेंशन की समस्या से काफ़ी सालों से परेशान हैं और आप एलोपैथिक दवाएं ले रहे हैं तो इन दवाओं को आप अपनी एलोपैथिक दवाओं के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि उन दवाओं को हम एकदम से बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपका शरीर उन दवाओं के प्रति यूज टू हो चुका है। अगर एकदम से आपकी वो दवाएँ बंद कर देते हैं तो आपको हाई बीपी की समस्याएं महसूस हो सकती हैं। उन दवाओं को आपको धीरे धीरे टैप आउट करना है। जब आप एक से दो महीना इन दवाओं को लेंगे तो धीरे धीरे आपका बीपी मेंटेन होने लगेगा। जैसे जैसे बीपी मेंटेन होता है धीरे धीरे उन दवाओं को कम करना है। फिर आपको इन दवाओं को 4 से 6 महीने लगातार लेना है और अपना बीपी मॉनिटर करते रहना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बीपी की समस्याएँ काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। कुछ दिन इन दवाओं को लेने के बाद धीरे धीरे इन दवाओं को भी कम कर देना है और आप अपनी समस्याओं से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।